तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए बताया हमने कि ये जो बहुसंबंधित क्षेत्र है इसको एक सहसंबद्ध क्षेत्र गामा में परिवर्तित कर दिया, गामा में परिवर्तित कर दिया तो कौशी प्रमेय के अकॉर्डिंग गामा एफ ऑफ जेड डी जेड का मान जीरो हो गया। ओके, अब इस समीकरण एक से जो कि आपके पास गामा एफ ऑफ जेड डी जेड है, आप देखेंगे इसको कि ये जो समीकरण एक है ये मिलकर के बना है, एक तो ये कंटूर गामा, तो ये मिलकर के बना है, इसको आप लिख सकते हो कंटूर सी। देखो बार वाला जो कंटूर है ना, ये क्या है, सी है, कंटूर सी एफ ऑफ जेड जी डी जेड प्लस दूसरा देखिए सी पे, जैसे हम यहाँ से चले यहाँ आ गए ए बी पे चलेंगे ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, इसके बाद में देखिए यहाँ से ऐसे गए एस सी वन के लिए, ये सी वन वक्र है, सी वन के लिए आ गए यहाँ तक, तो ये लिखेंगे यहाँ सी वन। लेकिन एक और बात देखो, दिशा हम लेकर के चल रहे बामावर्त, सी की बामावर्त है लेकिन सी वन की दक्षिणावर्त है ना, तो यहाँ आप माइनस सी वन लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस का सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस। अब देखो सी वन के बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, बी ए, बी ए बनेगा ना ये, तो बी ए की दिशा बी ए एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, प्लस बी ए के बाद में देखेंगे ये तो कंट्रोल सी चल ही रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक सी डी, सी डी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, और ये बनेगा सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड, सी टू के बाद में यहाँ से डी से सी तक आएंगे, प्लस का डी सी एफ ऑफ जेड डी जेड, डी सी के बाद सी पे चलेंगे जो कि एक बार लिख दिया हमने पहले ही, फिर ई से एफ पर आएंगे, ई से एफ पर एफ ऑफ जेड डी जेड, इसके बाद में इस सी थ्री पे आएंगे, सी थ्री पर सी थ्री, लेकिन सी थ्री नेगेटिव होगा और ऐसे ही ये सी टू की डायरेक्शन है ना, सी टू की डायरेक्शन नेगेटिव होगी ना दक्षिणावर्त, सी थ्री एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, सी थ्री के बाद में फिर यहाँ से ई एफ पर चलेंगे, ये बनेगा यहाँ से ई एफ एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके सामने लिखा है इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आप समझेंगे अब इसमें, इंप्लाइज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड माइनस सी वन है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस का सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड, बी ए को लिख सकते हो आप माइनस का ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड, यहाँ सी डी एफ ऑफ जेड डी जेड, सी डी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये माइनस सी टू है प्लस के साथ आ जाएगा, तो माइनस का सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड, फिर इस डी सी को लिख दोगे माइनस का सी डी माइनस सी डी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस का ई एफ एफ ऑफ जेड डी जेड,
इस माइनस को प्लस के साथ लाएंगे तो माइनस का कंटूर सी थ्री एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस ई एफ को लिखेंगे, यहाँ माइनस का एफ ई, सॉरी ये एफ ही था यहाँ, तो एफ ई को लिखोगे माइनस का ई एफ एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके अब देखो ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस का ई एफ एफ ऑफ जेड होगा ना, और ये प्लस का ई एफ, तो ये पार काट तो कट जाएंगे क्योंकि ए बी और बी ए विपरीत दिशा हो जाती है ना, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी डी प्लस सी डी कैंसिल हो गए ना, और ये जो टर्म चल रही है ना, ये जो टोटल टर्म चल रही है बराबर किसके है, जीरो के बराबर जीरो, ऐसे ही यहाँ भी बराबर जीरो। अब देखो आप करेंगे क्या, इसमें कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड को लेफ्ट साइड में रखें और यहाँ से C1 को राइट साइड में ले जाएं, तो प्लस का C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, ऐसे ही AB कट गया CD कट गया, माइनस C2 को राइट साइड में ले जाएं तो प्लस का C2 एफ ऑफ जेड डी जेड, ऐसे ही प्लस ये C3 है माइनस का राइट साइड में ले जाएं प्लस C3 एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके बस यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो सभी इसका। अब आप इसमें एक और थ्योरम करेंगे, उससे पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे या फिर थ्योरम का ही कथन लिखें। थ्योरम का स्टेट लिखेंगे ये, यदि एक सहज संबद्ध क्षेत्र कैपिटल जी में एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड जी में कैपिटल जी में बिंदुओं जेड नॉट एवं जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, चंद्रशेखर ए बी को बी ए, बी ए को ए बी इसलिए लिखा क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी ना, कंटूर की डायरेक्शन देखी आपने चित्र में, हाँ तो इस थ्योरम में आप देखेंगे आपके लिए कहा है कि किसी क्षेत्र जी में, कोई क्षेत्र है जी
इसमें फलन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है और समाकलन जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड, जेड नॉट टू जेड यानी जेड नॉट स्थिर बिंदु है, जेड एक अन्य बिंदु है। तो हमसे कहा है कि आप चाहो तो इसका जेड नॉट से जेड वन इस सी वन वक्र के अनुदिश निकालो समाकलन, या इसी का आप सी टू वक्र के अनुदिश निकालो समाकलन, समान होगा। इसके लिए हमने इस पॉइंट को पी माना जेड नॉट को, और जेड को क्यू माना, और इस पर एक बिंदु आर और एस ये दो सेलेक्ट किए पॉइंट। अब देखिए वक्र सी वन और सी टू से मिलकर के जो कंटूर बनाई है समवृत्त कंटूर, इसको अगर हम गामा कहें तो इस समवृत्त कंटूर के अंतर्गत कंटूर गामा एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर जीरो होगा। जैसा कि हम आपके लिए कौशी बहुसंबंधित क्षेत्र के लिए जो कौशी सॉरी आपके लिए हम कौशी प्रमेय जिसमें कि ग्रीन थ्योरम को यूज किया था को आपको बताया था, तो आप समझेंगे। अब इसमें यहाँ जैसे कि जेड नॉट एक स्थिर बिंदु है, जेड क्या है कोई चर बिंदु है, मतलब जेड बदलता रहेगा लेकिन जेड नॉट है वो फिक्स रहेगा। अब अगर इसका जेड नॉट से जेड वन तक वक्र सी वन के अनुदिश जाएं या सी टू के अनुदिश जाएं, तो थ्योरम में कहना है कि जेड नॉट से जेड तक किसी भी पथ से जाओ समाकलन क्या है स्वतंत्र रहेगा। ये जो समाकल है वो पथ से स्वतंत्र होता है, मतलब C1 के अनुदेश f ऑफ जेड डी जेड निकालें या C2 के अनुदेश f ऑफ जेड डी जेड निकालें बराबर आएंगे। ओके, ऐसा हमें सिद्ध करना है, तो प्रूफ डाल के लिखेंगे अब सभी थ्योरम का जो है प्रूफ डालेंगे और लिखेंगे सभी, इसमें प्रूफ में लिखेंगे माना माना जेड नॉट एक चर बिंदु है, सॉरी जेड नॉट एक स्थिर बिंदु है, माना जेड नॉट एक स्थिर बिंदु है तथा जेड कोई चर बिंदु है, जेड कोई चर बिंदु है, और जेड नॉट को जेड से मिलाने वाले दो वक्र और जेड नॉट व जेड को मिलाने वाले दो वक्र सी वन व सी टू हैं, सी वन व सी टू हैं। यदि इन दोनों वक्रों से बना समवृत्त कंटूर गामा हो यदि इन दोनों वक्रों से बना समवृत्त कंटूर गामा है यदि इन दोनों वक्रों से बना समवृत्त कंटूर गामा है जिसके अंदर तथा ऊपर जिसके अंदर तथा ऊपर फलन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है तब कौशी प्रमेय से कंटूर गामा एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर जीरो, कंटूर गामा एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर जीरो। आपको पता है कि यह जो कंटूर गामा है ना वो वक्र C1 और C2 से मिलकर के बना है, तो C1 की बात करें तो ये बनेगा पी आर क्यू। तो पहले हम पी आर क्यू एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस कंटूर गामा है ना वो पी आर क्यू और ये क्यू एस पी, क्यू एस पी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर जीरो। पी आर क्यू को आप C1 लिखोगे, C1 f of z dz plus QSP, QSP इसको आप माइनस C2 लिखोगे, C2माइनस का माइनस C2 f of z dz
बराबर जीरो, ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, पक्षांतर कर दोगे इसको, सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड। अतः समाकल यहाँ हम कह सकते हैं हम कि अतः समाकल जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड बिंदुओं जेड नॉट एवं जेड बिंदुओं जेड नॉट एवं जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र है। ओके, ये इस थ्योरम का प्रूफ हुआ। यही इस थ्योरम का क्या है, प्रूफ है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और हेडिंग डाल देंगे आप, हेडिंग डालें इसमें। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने जो भी लिखा हुआ है बाद में नोट कर लेना। हेडिंग डालेंगे अब, अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज इसको कल, लेकिन कल की मीटिंग में कराएंगे इसको, आज नहीं करा रहे। अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज, अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज। ओके, ये डेफिनेशन आपको जो अगली मीटिंग होगी ना अगले दिन उस मीटिंग में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।